फतेह मोहम्मद बलोच और शाहिद ताज के ग्रुप का डीएफए मलीर के इलेक्शन के हवाले से मलीर में चल समरकित किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर के कसीर तादाद में डीएफए मलीर के कल्बों ने शिरकत की और फतेह मोहम्मद और शाहिद ताज की ग्रुप की हिमायत की और इस ग्रुप पर एतमाद का ऐलान किया। इस जलसे में नवाब शाह से राव नईम बेलो और हैदराबाद से आजम खान ने भी शिरकत की और अपने मुकम्मल ताबुन का यकीन दिलाया और कराची के 500 डिस्ट्रिक्ट ने शिरकत की और अपने ताबुन का ऐलान किया। फतेह मोहम्मद बलोच ने अपनी तकरीर में कहा कि इंशाअल्लाह हम इससे ज़्यादा काम करेंगे, तमाम टीमों के जायज़ मसले हल करेंगे और यूथ डेवलपमेंट पर ज़्यादा काम करेंगे। रहीम बख्श बलोच ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट मलीर से पाकिस्तान को 20 इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं और इस दफ़ा इंशाअल्लाह इसको डबल फिगर करेंगे। शब्बीर इंटरनेशनल कोच ने अपनी बयान में कहा कि शाहिद ताज ग्रुप के हाथ मजबूत किए जाएँ और फुटबॉल को बचाना है तो शाहिद ताज को लाजिम लाना है और शाहिद ताज डिस्ट्रिक्ट मलीर ने लीग मुकम्मल किए हैं। उबैदुल्लाह खान ने अपनी तकरीर में कहा कि आज साबित हो गया मलीर के क्लब शाहिद ताज और फतेह मोहम्मद बलोच के ग्रुप के साथ है।